Hello friends, welcome to Knowvation. I'm Shantanu and I bring to you an important session on sports and IT terminologies. So guys, इसमें हम कई सारे important sports और उनसे जो related terms हैं वो जानेंगे और similarly कुछ important information technology की terms हैं उनको भी जानेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ important personalities जो हैं उनका एक picture recognition session करेंगे. ठीक है friends, so this is going to be an important session. I request you all to keep watching till the end. And also attempt the assignment question that I give you. चलिए friends, start करते हैं session. So guys, सबसे पहले हम discuss करते हैं badminton में कौन कौन सी important terminologies होती हैं. So I hope आप लोग को कई सारी ये पता भी होंगी पर फिर भी हम discuss कर लेते हैं. तो first is deuce. इस deuce में यानी कि जब दोनों players का 20-20 score हो जाता है तो it's kind of a tie kind of a situation. तो उसमें जो भी प्लेयर लगातार दो पॉइंट्स जीत जाता है वो उस मैच सेट को जीत जाता है. एंड द नेक्स्ट इज स्मैश. ये आई होप आप सबको पता ही होगा. ड्रॉप, लेट, गेम, लव. सो गाइस, लव का मीनिंग होता है जब स्कोर जीरो पे हो उस कंडीशन को लव बोला जाता है. डबल फॉल्ट. एंड लेट्स मूव टू बॉक्सिंग. गाइस, बॉक्सिंग में कौन से मेन जो भी शॉर्ट्स या पंचेज होते हैं या उनका नाम वो है हुक, जैब, पंच, अपरकट, किडनी पंच एंड नॉकआउट. सो गाइज, ये जो हैं ये तो सारे मूव्स होते हैं जो कि प्लेयर्स यूज़ करते हैं, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट स्पोर्ट वी आर गोइंग टॉक अबाउट इज बिलियार्ड्स. एंड इट्स इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आर जिगर, ब्रेक, स्क्रैच, कैनन्स, पॉट, क्यू, इन बॉक. तो गाइज, आप इसको या तो फोटो ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू हैव टू रिवाइज. द नेक्स्ट इज हॉर्स रेसिंग. आई होप जॉकी आप लोग को पता होगा. पंटर, प्लेस, विन एंड प्रोटेस्ट. सो प्रोटेस्ट इज काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर द प्लेयर प्रोटेस्ट द डिसीजन ऑफ द रेफरी और द एम्पायर हूज देयर. द प्लेयर विल प्रोटेस्ट हिज डिसीजन. ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज गोल्फ. गोल्फ के कौन कौन से टर्म्स हैं आइए जानते हैं. हॉक पोल, बोगी, पुट, स्टाइमाय, कैडी, टी, पार एंड लिंक्स. एंड नेक्स्ट वन इज चेस. तो गाइस, चेस में आप लोग सबको ही पता होगा चेकमेट तो और चेक. एंड उसके अलावा होते हैं गैम्बिट एंड स्टेलमेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज रेसलिंग. रेसलिंग में भी हमारा देश का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहता है तो ये भी हमको जानना ज़रूरी है. कॉलीफ्लावर ईयर. वैसे कई रेसलर्स के आपने ईयर्स देखे होंगे, वो थोड़े से स्ट्रेच्ड होते हैं. वो रेसलिंग में खासकर उनको जब प्रैक्टिस करते हैं उसी कारण से ये ईयर्स ऐसे हो जाते हैं. एंड देन द नेक्स्ट इज बैकडोर, ऑल अमेरिकन, हीव, हाफ नेल्सन एंड फंक. दीज आर द इम्पॉर्टेंट रेसलिंग टर्मिनोलॉजीज. नेक्स्ट स्पोर्ट वी गोना फोकस ऑन इज फुटबॉल. फुटबॉल फैंस जो होंगे वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, मुझसे भी अच्छे से. सो नेक्स्ट द टर्म्स आर फ्री किक, हेडर, अटैकर, मिडफील्डर, पेनल्टी, ड्रिबल, थ्रो इन, टच और फाउल. दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर फुटबॉल. नेक्स्ट इज टेबल टेनिस. सो इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है. The terms are anti-spin, backhand, flat, pen holder, drop shot, shake hand grip, lob, this one is important, and kill shot. This is kind of a smash shot जो होता है बैडमिंटन में, it is kind of that. Next is hockey, which is our national sport also. The important terms are bully, short corner, strikes, penalty corner, undercutting, scoop, this is a kind of shot which is important one. सेंटर फॉरवर्ड एंड कैरी. चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. सो कई लोगों का फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट. गाइस, इसमें जो भी नॉर्मल जैसे LBW इस टाइप के जो या विकेट या बैट्समैन इन सब का आप लोग को पता ही होगा. मैं सिर्फ उनको बताऊंगा जो काफ़ी अनकॉमन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे. द एशेज. सो गाइस, ये ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में फेमस टेस्ट राइवलरी होता है, उसका नाम है द एशेज. चिन म्यूज़िक. ये वेस्ट इंडियन बॉलर्स जो होते थे पहले के, वो एक बाउंसिंग पिच होती है वहाँ पे, तो वहाँ पर जो बॉलिंग होती थी उसको चिन म्यूज़िक टाइप बॉलिंग भी बोला जाता है.
चाइनामैन अगेन अ काइंड ऑफ स्पिन बोलिंग, दूसरा अ बोलिंग का टाइप। डक, अगर कोई बैट्समैन जीरो पर आउट होता है आप लोग को पता ही होगा तो उसको डक से डिनोट करते हैं। फुल टॉस, गूगली, जाफा, मैनहट्टन, नर्वस 90s, दिस इज स्पेशल वन। अगर आप मतलब क्लोज टू 100 हो और अगर आप 98-99 के स्कोर पर आउट होते हो देन यू आर इन नर्वस 90s। नाइट वॉचमैन, विकेट, यॉर्कर एंड जूटर, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रिकेट टर्मिनोलॉजीज विच आर नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। अब फ्रेंड्स हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट आईटी टर्मिनोलॉजीज एंड नई टेक्नोलॉजीज जो आई हैं उनको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बिल्कुल उसके इन डेप्थ नहीं जाएंगे बट उनको थोड़ा उनकी डेफिनेशन और उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज बिग डेटा। सो गाइस बिग डेटा के बारे में समझते हैं। चलिए, बिग डेटा रिफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स दैट मे बी एनालाइज कंप्यूटेशनली टू रिवील पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड एसोसिएशंस। सो गाइस जब हम लोग के पास बहुत सारा डेटा रहता है नॉर्मली अगर हम बात करें तो उस उन डेटा से लेके अगर कुछ पैटर्न हम समझ पा रहे हैं कस्टमर्स के बारे में, क्या पैटर्न है, वो क्या खरीद रहे हैं, या एक पर्टिकुलर कोई हमको उससे क्लू मिल पाता है तो वहाँ पर बिग डेटा का मोस्टली यूज़ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है सो दैट वी कैन एनालाइज एंड एनालाइज इट कंप्यूटेशनली टू रिवील पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड एसोसिएशंस। नेक्स्ट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड एज ट्रायल्स और बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज़। सो गाइस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी हम कुछ भी ऑनलाइन परचेजेस करते हैं या कुछ वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाता है। आपने भी देखा होगा अगर हम किसी अमेज़ॉन पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसका गूगल हमको किसी और ऐप में भी ऐड दिखाता है। तो दैट्स समहाउ इट गैदर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अस एंड इट कैप्चर्स द ट्रेल्स ऑफ द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज़। आगे बढ़ते हैं। बिग डेटा इज़ यूज्ड टू बेटर अंडरस्टैंड कस्टमर्स एंड देयर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर एंड देयर प्रेफरेंसेस। मैनी फर्म्स टुडे आर कीन टू एक्सपांड देयर ट्रेडिशनल डेटा सेट्स विद सोशल मीडिया डेटा, ब्राउजर डेटा एज वेल एज टेक्स्ट एंड सेंसर डेटा इन ऑर्डर टू गेट अ मोर कम्प्लीट पिक्चर ऑफ देयर कंज्यूमर एंड और कस्टमर्स। सो गाइस बेसिकली कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस क्या होता है? कस्टमर वो पर्सन है जो आपसे परचेज कर रहा है बट ज़रूरी नहीं है कि वो कंज्यूमर ही हो। सो कंज्यूमर इज़ द एंड वन एंड एंटिटी विच कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर एक पेरेंट है वो अपने बेबी के लिए कोई क्लोथ खरीदता है तो ऑफकोर्स ही विल पे, सो ही इज़ द कस्टमर एंड द बेबी विल बी द कंज्यूमर। सो ऑल दीज फर्म्स आर मेनली ट्राइंग टू फाइंड न्यू पैटर्न्स इन बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स एंड हाउ दे कैन इन्फ्लुएंस दैम। सो दैट्स हाउ इट बिग डेटा कम्स इन टू द पिक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रिप्टो करेंसी। काफ़ी फैड में है गाइज, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। आइए जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल एसेट डिजाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट यूज स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, टू सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। गाइज बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज आर अ काइंड ऑफ वर्चुअल करेंसीज एंड विच वर्क ऑन स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी, दिस इज द टेक्नोलॉजी विच ऑन विच इट वर्क्स टू सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ एडिशनल यूनिट एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। गाइज काफ़ी प्रोटेक्टेड रहता है इसका सिस्टम जिसमें से कि आप जो ट्रांजेक्शन हैं उनको ईजिली ट्रेस भी नहीं किया जा सकता है बिकॉज इट इज़ सो सिक्योर्ड इन दिस क्रिप्टोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी गाइज, बिटकॉइन इट्स द मोस्ट फेमस वन, इथेरियम, लाइटकॉइन एंड मोनेरो। गाइज कुछ कंट्रीज अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसीज भी लॉन्च करती हैं, जैसे वेनेजुएला जो है उसने एक पेट्रो नाम की अपनी क्रिप्टो करेंसी उन्होंने रिलीज कर दी थी। सो यू कैन यूज सच पॉइंट्स इन योर GDs और इंटरव्यूज। नेक्स्ट इज इट इज़ स्टिल नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया। सो गाइज अभी भी हमारे देश में इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, यानी कि आप दुकान में जाके उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप बिटकॉइन से मुझको ये सामान दे दीजिए। सो इट्स नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया एंड मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बट इन इंडिया यू आर फ्री टू बाय, सेल एंड होल्ड देम बट दे आर पुअरली रेगुलेटेड। सो गाइज अगर कुछ बिटकॉइन में फ्रॉड हो जाता है तो गवर्नमेंट विल नॉट प्रोटेक्ट यू बिकॉज RBI हैज़ स्ट्रिक्टली बैंड बैंक्स फ्रॉम यू नो प्रमोटिंग द ट्रांजेक्शन इन
बिटकॉइंस, उन्होंने बोल दिया है कि इसकी कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है बिकॉज इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर. इन डिसम्बर 2017 बिटकॉइंस रीच द लाइफ टाइम हाई प्राइस ऑफ $20,000 एंड नाउ इट हैज़ फेल टू अ रेट नियरली $3,600. सो गाइज आप सोच सकते हैं जो एंटिटी $20,000 से सीधा अब कहाँ पर है, अराउंड $3,600. सो कितना ज़्यादा रेट फ्लक्चुएट हो चुका है. जिन लोगों के पास बिटकॉइन था वो तो ऑलमोस्ट मैं कह सकते हैं बैंकरप्ट हो गए होंगे. सो इट्स काइंड ऑफ अनसर्टेन एंड इट्स वॉलेटाइल एंड इट्स इट ऑल्सो वर्क ऑन ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी. सो इट्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट आई टी टर्मिनोलॉजीज. चलिए इसको भी देखते हैं. ब्लॉक चेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लॉक चेन इज लिटरली जस्ट अ चेन ऑफ ब्लॉक्स एंड दीज ब्लॉक्स ऑन द ब्लॉक चेन आर मेड ऑफ डिजिटल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. सो गाइस जैसा कि इसका लिटरल मीनिंग अपन समझ सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ ब्लॉक्स. और ब्लॉक्स किस चीज़ के रहते हैं? डिजिटल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दिस पॉइंट, द ब्लॉक्स आर ऑफ डिजिटल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. अ ब्लॉक में यूज इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शंस. सो फॉर एन एग्जांपल, ब्लॉक्स किस चीज़ के हो सकते हैं? अबाउट ट्रांजैक्शंस. और उन ब्लॉक किस से बने होंगे? इट विल कंटेन द डेट, टाइम एंड डॉलर अमाउंट ऑफ योर रीसेंट परचेज, डॉलर और रुपी अमाउंट ऑफ योर रीसेंट परचेज. एंड blockchain store block store information about who is participating in transaction. चलिए डेट, टाइम, डॉलर हो गया, और एक और क्या इन्फॉर्मेशन उसमें होगी कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है. मैं एज अ बायर और Amazon का कोई रिटेलर एज अ सेलर. सो वी बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांजेक्शन. ब्लॉक स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम अदर ब्लॉक्स. सो गाइस एक ब्लॉक जो है इट विल हैव अ डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन and which will distinguish it from the other blocks. And the blockchain technology account for the issues of security and trust in several ways. So guys, it's a very secure technology and bahut zyada safe and secure ek trustworthy system hai blockchain ka. The new blocks are always stored linearly and chronologically. Aane wale blocks jo hai linearly place hote hain ekdam chronological order mein. Next an important one, after a block has been added to the end of the blockchain, it is nearly impossible for a hacker to go back and alter the contents of the block. So guys, agar koi hack karke kisi block ke content ko change karna chahta hai, kuch fraud karna chahta hai, uske liye it is nearly impossible because it is such a secure technology. Isliye iska mostly use kiya ja raha hai cryptocurrencies mein aur hamare financial systems ko zyada se zyada secure banane mein. Chaliye aage badhte hain. Next one is इंटरनेट ऑफ थिंग्स. गाइस दिस इज़ क्वाइट अ ट्रेंडी वन. आप लोग को भी मैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स बताऊँगा तो आप रिलेट कर पाएंगे. द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द नेटवर्क ऑफ डिवाइसेज सच एज व्हीकल एंड होम अप्लायंसेज दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, एक्चुएटर्स एंड कनेक्टिविटी विच अलाउज दीज थिंग टू कनेक्ट, इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा. सो गाइस हमारे पास कई ऐसे डिवाइसेज होते हैं जिनको हम इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं. जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जस्ट थ्रू वॉइस यू कैन कंट्रोल द स्पीकर नेम एलेक्सा. सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन कनेक्ट सच थिंग्स विच आर नॉट बीइंग प्रीवियसली कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, लाइक योर कार्स, इवन योर सराउंड म्यूजिक सिस्टम ऑफ योर होम्स. इवन जो आगे टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें आप लोग एक रूम से बैठ के दूसरे रूम में जाके भी उस म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, या यू कैन क्लियरली टर्न द म्यूज़िक ऑफ सिटिंग इन अनदर रूम. So that's an example of Internet of Things. The IoT involves extending internet connectivity beyond standard devices, jaisa ki maine aapko bataya guys, such as desktop, laptops, smartphones and tablets to any range of traditionally dumb or non-internet enabled physical devices and everyday objects. So guys, zaruri nahi hai desktop, laptop aur smartphones tak hi internet connectivity ab seemit rahe. Aane wale samay mein jo bhi dumb cheeze bhi hoti hain jinka aap abhi tak hum log यूज़ नहीं करते थे इंटरनेट में, उनको भी इंटरनेट से कनेक्ट करना शुरू कर दिया गया है. एम्बेडेड विद टेक्नोलॉजी दीज डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट ओवर द इंटरनेट एंड दे कैन बी रिमोटली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड. एज आई टोल्ड यू, यू डोंट नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट नियर द डिवाइस, यू कैन रिमोटली कंट्रोल इट. ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट वन इज क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है जानते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग a network of remote servers hosted on the internet to store
manage and process data rather than a local server or a personal computer. Friends, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे local जो computer या desktop है उसमें चीज़ store करने की बजाय we use the cloud. या तो आप Microsoft का cloud use कर रहे होंगे, या मान लीजिए Google Drive use कर रहे होंगे, या Apple का जो उनका cloud है उस पर use कर रहे होंगे. So we are not taking the use of the local computer, we are using a remote server which is hosted over internet to manage and process data. So that's what is cloud computing. Cloud computing is less time consuming than traditional uses of computer and internet of business. So guys, इसका ये भी advantage है, time consuming नहीं है, आप कहीं से भी अपने data को access कर सकते हैं, कहीं भी आप अपने direct जो भी आपकी data है उसको transfer कर सकते हैं easily. Because everything is connected via internet. Also, अब कुछ disadvantage भी है guys का. It is costly for common people. Common people के लिए it is quite costly, जो कि individuals होते हैं. But it will be cost effective for small businesses and big companies. And a common example of cloud computing provider is Google's Gmail or Google Drive. जैसा कि मैंने आपको बताया friends, Gmail या Google Drive. Gmail users can access files and application hosted by Google via the internet from any device. जैसा कि friends आप लोग use ही करते होंगे email को, कहीं से भी किसी भी device से आप use कर सकते हैं, because it is not on your physical computer, it is actually on the cloud, on the remote servers of Google. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, the next one is industry 4.0, जिसको हम industrial revolution 4.0 भी बोलते हैं friends. That is industrial revolution 4.0. Industry 4.0 is the name given to the current trend of automation and data exchange in manufacturing technologies. So guys, current trend चल ही रहा है, सब industries में automation और data exchange के लिए modernization हो रहा है. That is what is called Industry 4.0. It includes cyber physical systems, the Internet of Things, cloud computing and cognitive computing. So guys, it is a kind of mixture आप बोल सकते हैं, Internet of Things, cloud computing, different type of various technologies like blockchain, इन सबको combine करके अगर हम एक generic term बनाएंगे तो it is industry 4.0, the era of cloud computing, internet of things and automation. Industry 4.0 is commonly referred to as fourth industrial revolution. जैसा कि guys मैंने बताया आपको, fourth industrial revolution भी इसको कहा जाता है. There are four design principles in industry 4.0. क्या principles है guys? सबसे पहला है, it should has interconnection. हर चीज लिंक होना चाहिए, just like the internet of things. Information transparency. There must be transparency in information. सब लोगों को information without any distortion मिलना चाहिए, proper information मिलना चाहिए. Technical assistance. Guys, कई बार automation में या जो भी cyber security या information technology का area है, उसमें technical assistance via experts मिलना चाहिए. Decentralized decisions. It should not be a central system जहाँ पर लोगों को information नहीं मिल पाए. It should be a decentralized form of power and decentralized decisions should be taken. So guys, let's move forward. Now we will see some picture recognition. और इसमें guys Indian personalities या foreign personalities भी हो सकती हैं. So you can pause the video when the picture appears, try for a second and then see the answers. The first one, I hope आप लोग पहचान रहे होंगे, the answer is Major ध्यानचंद, जो कि इंडिया के कहना चाहिए one of the best hockey players. उन्होंने हमारे देश को कई गोल्ड मेडल ओलंपिक्स और कई इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत को गोल्ड दिलाया. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next one, you can pause and try. She is PT Usha and she is regarded as the queen of Indian track and field. She is one of the greatest athletes of India. Next is, I hope you know, all of you remember him. He is Abhinav Bindra. And guys, इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को 10 मीटर आईआर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था. सो ही इज काइंड ऑफ द सोल फाइटर जिन्होंने अभी तक हम लोग को, मतलब उनके बाद कई सालों से गोल्ड नहीं मिला है. सो ही इज one of the best shooters India had. Next is, I hope आप इनको भी जानते होंगे, बहुत ही अच्छे javelin thrower हैं इंडिया के,
ही इज नीरज चोपड़ा, और अभी इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स जो दोनों हुए हैं उनमें स्वर्ण पदक जीता है. नेक्स्ट इज आई होप आप लोग को पता होगा, शी इज दीपा कर्माकर एंड शी इज एन आर्टिस्टिक जिमनास्ट फ्रॉम इंडिया हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स. नेक्स्ट इज शी इज मनिका बत्रा एंड शी इज अगेन अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं. एंड एज फार एज आई रिमेंबर शी वॉन अराउंड 4 गोल्ड मेडल्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड नो वन ऑफ द इंस्पिरेशनल फीमेल एथलीट्स ऑफ इंडिया. गाइस इनको आप लोग शायद नहीं जानते होंगे बट यू शुड नो हिम, ही इज सोनम वांगशुक, और इनको इस ईयर 2018 में इनको रेमोन मैक्से से अवार्ड मिला है गाइस. सो ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट. अगर आपने थ्री इडियट्स फिल्म देखी होगी उसमें जो फुनसुंग वांगडू के कैरेक्टर हैं वो इसी से इंस्पायर्ड है. इन्होंने भी लेह लद्दाख एरिया में अपने साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कई सारे ऐसे इन्वेंशन किए जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ. सो प्लीज़ रिमेंबर हिम, ही इज़ द रेमोन मैक्सेसे अवार्ड विनर ऑफ 2018 सोनम वांगचुक. नेक्स्ट इज शी इज़ किरण मजूमदार शॉ एंड शी इज़ द हेड ऑफ बायोकॉन. बायोकॉन इंडस्ट्री जो है उनकी ये CEO हैं एंड शी इज़ वन ऑफ द richest फीमेल्स इन इंडिया. शी इज़ द यू नो CEO और ये सेल्फ मेड, जिनको बोला जाता है ना फ्रेंड, सेल्फ मेड फीमेल richest फीमेल हैं अपने देश की. द नेक्स्ट पिक गाइज आप लोग जानते होंगे, शी इज़ इंदु मल्होत्रा एंड शी इज़ करेंटली जज जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आइए आगे बढ़ते हैं गाइज. इनको भी आप लोग जानते होंगे शायद, ही इज़ नंदन निलेकानी एंड ही इज़ वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ कौन सी कंपनी फ्रेंड्स, ही इज़ फ्रॉम इन्फोसिस. इन्फोसिस की ये को फाउंडर हैं और अभी काफ़ी न्यूज़ में भी थे क्योंकि ये आधार UIDAI जो ऑर्गेनाइजेशन है आधार का, उससे भी जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट इज जिनको मैं काफ़ी स्ट्रेस दे रहा हूँ, पहले भी मैं शायद आपको पिक बता चुका हूँ, ही इज़ सर VS नायपॉल. ही इज़ अ नोबल लॉरेट एंड इनको लिटरेचर में नोबल प्राइज़ मिल चुका है एंड रिसेंटली इन 2018 ही पास्ड अवे. दैट्स व्हाई इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज इनको आप लोग जानते होंगे, ही इज़ KK वेणुगोपाल एंड ही इज़ करेंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. He is Sandeep Bakshi. Friends, currently he is the CEO, head of ICICI Bank. And जब चंदा कोचर जी को कुछ कॉन्ट्रोवर्सी कारण उनको CEO पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, फिर संदीप बख्शी जो है इनको ही ICICI की कमान संभालने मिली है. Guys, famous politician, इनको आप लोग जानते होंगे, he is सचिन पायलट और राजस्थान में कांग्रेस के अभी लीडर भी रह चुके हैं बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर CM नहीं बन पाए. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. इनको आप जानते होंगे, ही इज़ कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबल पीस प्राइज़ विनर रह चुके हैं एंड ही इज़ फ्रॉम इंडिया. नेक्स्ट इज़ ये कौन है फ्रेंड्स, ही इज़ जमाल खशोगजी. गाइज़ इनको अभी ये एक्चुअली सऊदी अरेबिया के एक बहुत बड़े रिपोर्टर यानी कि जर्नलिस्ट थे बट इनको टर्की में सऊदी कॉन्सुलेट जो होता है वहाँ पर इनका मर्डर कर दिया गया था एंड एलिजिडली इट इज़ गिवन द ब्लेम इज़ ऑन द प्रिंस, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट इज़ गाइज ही इज़ मून जे इन एंड ही इज़ द PM ऑफ साउथ कोरिया. एंड गाइज आई वुड से ही इज़ वन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स हु इज़ काइंड ऑफ रियली इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग पीस एंड इन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ भी कई ऐसे डील करी है पीस की अभी रिसेंटली. सो क्वाइट एन अप्रिशिएटिंग पर्सन गाइज. शी इज़ तराना बर्क एंड शी इज़ द शी हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड द मी टू मूवमेंट. आई होप आप लोग को ये पता होगा, हैशटैग मी टू काफ़ी फेमस हुआ था फ्रेंड्स एंड अभी रिसेंटली इंडिया में भी ये मूवमेंट आ चुका है. सो गाइज दिस इज़ द असाइनमेंट क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट यू टू डू एंड प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ इन द पिक्चर. ओके फ्रेंड्स,
गाइस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द सेशन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इफ यू हैव फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नोवेशन. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.